हेलो फ्रेंड्स, एस वी आई पी ओ एंड आई बी पी एस पी ओ के डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश सेक्शन के बारे में आज डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। आज मेजर फोर मिथ, चार मिथ जो आई बी पी एस पी ओ एंड एस वी आई पी ओ के एस्पिरेंट के बीच में जो कॉमन है, डिटेल आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, सारे एस्पिरेंट्स यही सोचते हैं, आई मीन मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट, रीडिंग न्यूज़ पेपर एंड राइटिंग, आई मीन प्रैक्टिसिंग ऑन द रिटन ऑफ एसे एंड लेटर, डैट वुड बी सफाइस। आप जहाँ कहीं भी कोई यूट्यूब के चैनल पे आप जाइए डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड एस वी ए पी ओ एंड आई बी पी एस के लिए, आपको वहाँ पे जो है ये कॉमन बातें मिलेगी कि आप न्यूज़पेपर रीड कीजिए, आप जो है लिख के प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका जो स्कोर डेवलप होगा डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस में। एक कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रही है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये कम्प्लीटली एक मिथ है। ऐसा करने से आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में स्कोर नहीं बढ़ पाएगी। इसको आप इस तरीके से समझिए, अगर आपको बॉडी बिल्ड करना है, आपका जैसे बॉडी बिल्डर्स का रहता है उस तरीके का, तो क्या आपको सिर्फ हेल्दी डाइट ले लेने से हो जाएगा? जैसे ये कहा जाता है कि अगर आपको हेल्थ अच्छा रखना है तो हेल्दी डाइट लेना है, नॉर्मल एक्सरसाइज करना है, जॉगिंग करना, वॉकिंग करना, साइकिलिंग करना, स्टेज पे चढ़ना उतरना है, ये तो जनरली ये रिकमेंड किया जाता है। लेकिन क्या पहले तो पर्पस आपको डिफाइंड होना चाहिए। अगर आपका ये पर्पस है कि बॉडी बिल्ड करना है बॉडी बिल्डर की तरह, तो क्या आपको नॉर्मल हेल्दी डाइट और नॉर्मल वर्कआउट एक्सरसाइज से आपके बॉडी बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। उससे आप हेल्दी रह सकते हैं लेकिन बॉडी बिल्डर की तरह नहीं हो सकते। सेम डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के साथ भी है। अगर आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड बढ़ाना है तो वो आपका जो है रीडिंग न्यूज़पेपर से हेल्प करेगा, लेकिन अगर आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में स्कोर बढ़ाना है तो ये कभी भी हेल्प उसमें नहीं करता है। आप इसको डिटेल में समझिए कि अगर आपको कोई एक टॉपिक दिया गया है लिखने के लिए, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है। आइए, आपको कैसे पता लगता है? मॉक टेस्ट लेने से। अगर आपने कोई एसे का मॉक टेस्ट अभी बैंक पेज की वेबसाइट पे फ्री ट्रायल आपने दिया होगा, बहुत सारे लोग एवरीडे जो दे रहे हैं स्टूडेंट आप में से, और जो लोगों ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो जाके अटेम्प्ट कर लिए। बैंक पेज की वेबसाइट पे फ्री ट्रायल में एसे का मॉक अवेलेबल है, इवेल्यूएशन में फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जब आप एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं एक्चुअल एग्जाम के सिनेरियो में, तब आपको ये पता लगता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट जितने भी लिखते हैं उनके सभी का स्टैंडर्ड अलग होता है। फॉर एग्जांपल, आपका 20,000 स्टूडेंट लिखने जा रहे हैं इस पीएपीओ के मेंस का, तो सभी के आंसर्स जो डिफरेंट होगा, किन्हीं का कॉमन नहीं होगा। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स रहती है, मतलब हर एक एस्पिरेंट का राइटिंग स्किल में कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। किन्हीं का प्रॉब्लम है टाइम के साथ बीट करना, लिमिटेड गिवन टाइम में वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। कई सारे आपके जो ड्राफ्टिंग में दिक्कत आती है, कई सारे का उनका जो फ्रेमिंग में दिक्कत आती है, फैक्ट एंड फिगर्स में दिक्कत आती है, नॉलेज की दिक्कत आती है, कई तरह के होते हैं। तो सभी एस्पिरेंट का लेवल अलग है, तो पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है कि उनको प्रॉब्लम कहाँ है, उसके ऊपर उनको काम करने की ज़रूरत पड़ती है ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस। और आप मॉक टेस्ट रेगुलर लेना पड़ता है ताकि आप उसको जो है ना सही तरीके से जो है आपका इम्प्रूवमेंट हो रही है वो ट्रैक कर सकें और कंफर्टेबल भी होते चले जाए एग्जाम सिनेरियो के साथ। अगर आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका नॉलेज तो गेन होगी, लेकिन वो कितना, 80-20 का रेशियो, मतलब 80% आपका टाइम जा रही है, 20% आपका सिर्फ नॉलेज गेन हो पा रही है जो आपके डिस्क्रिप्टिव में अप्लाई कर सकते हैं। और वो 20% जो अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ आपको एक बात और समझना है, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आपका नॉलेज बेस्ड पेपर नहीं है, बल्कि ये आपका राइटिंग स्किल बेस्ड पेपर है, ये स्किल बेस्ड पेपर है। स्किल बेस्ड के लिए आपको सिर्फ नॉलेज सफिशियंट नहीं होता है, आपके पास जितना भी नॉलेज है वो डैट विल काउंट ओनली इफ यू आर एबल टू प्रेजेंट प्रोपरली इन द गिवन एग्जाम। डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस में आपके पास कितना नॉलेज है एग्जाम हॉल में, जब तक आप उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते आपका स्कोर नहीं बनेगा। तो यहाँ मैटर करती है कि आपका नॉलेज गेन करने के साथ साथ आपको प्रेजेंट करने का भी स्किल डेवलप करना है। तो प्रेजेंट करने का स्किल तभी डेवलप हो पाएगी जब आप उसको रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा कॉमन मिथ है कि रीडिंग न्यूज़पेपर एंड राइटिंग, तो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है कि नॉट ओनली नॉलेज बट यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस ऑन ए रेगुलर बेसिस टू डेवलप योर राइटिंग स्किल। और ये मॉक टेस्ट के सीरीज रेगुलर लेने से ही ये पॉसिबल हो पाती है। सेकेंड आपका जो मिथ है एस बी आई आई बी पी एस के स्प्रिंट के बीच में, जो सेकेंड कॉमन मिथ है वो ये कि मॉडल आंसर ऐसे या लेटर राइटिंग अगर मिल गया तो उसे हम मेमोराइज करके जाएंगे, एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। अगर हमें कहीं से नोट्स मिल जाए, पीडीएफ्स मिल जाए, क्योंकि हमारे पास रेगुलर ऐसे कॉल आते रहते हैं जिनका ये डिमांड रहता है कि हमें जो पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए एसे का, लेटर का, मॉडल आंसर्स का, हम उससे जो है ना प्रैक्टिस कर लेंगे और हम एग्ज़ाम लिख के आ जाएंगे। ये बहुत ही बड़ा कॉमन मिथ है। अब यहाँ पर समझिए थोड़ा पीछे की गहराई को।
जो भी टॉपिक एग्जाम में आपके दिए जा रहे हैं वो टॉपिक जो है आपका सेम जो आप पढ़ के जा रहे हैं मॉडल एंसर्स का सेम टू सेम उसी फॉर्म में आएगा, कभी पॉसिबल नहीं होता है। वहाँ कोई ना कोई फॉर्म जो है वो चेंज कर देते हैं, आई मीन कोई ना कोई एडजेक्टिव जुड़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए 2020 का जो एस बी आई पी ओ का लेटर राइटिंग का जो टॉपिक था, तो बैंक के साइट पर ऑलरेडी जो प्रोबेबल लेटर टॉपिक्स, मॉडल लेटर टॉपिक्स एंड जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए थे उसमें ये था कि यूथ को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, यूथ को पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए इनक्रेज करना चाहिए, इसके बेस पे टॉपिक था। जबकि एग्जाम में जो आया ये पॉलिटिक्स से ऊपर बैंक में था और वहाँ पे ये आर्मी ज्वाइन करने से रिलेटेड था। मतलब टॉपिक लेटर का कॉमन था बैंक के प्लेटफॉर्म पर एग्जाम में, बस डिफरेंस इतना था कि बैंक ने रिकमेंड किया था कि आप लिखिए कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए रिकमेंडेशन दीजिए, और एग्जाम में आया था कि आर्मी ज्वाइन करने के लिए रिकमेंडेशन देना चाहिए। आप सोचिए कि जो लोगों ने अगर सिर्फ मेमोराइज करके गए हुए तो उनके लिए कितना टफ होगा, क्योंकि सारा डायमेंशन ही चेंज हो जाती है। तो एसे और लेटर के लिए जो मॉडल एंसर्स होते हैं वो एक रेफरेंस की तरह वो काम करता है, ना कि आपका कंप्लीट फुल एंड फाइनल होता है। तो जो लोग ये समझते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ा जो है मिथ है, उनके स्कोर नहीं बढ़ पाएंगे, वो एग्ज़ाम में इसके कारण से बहुत तकलीफ उन्हें उठानी पड़ेगी। यहाँ पे ज़रूरत ये पड़ती है कि मॉडल आंसर एक रेफरेंस की तरह हेल्प करता है उनको 360 डिग्री में क्या करने से उनका खुद का आंसर डेवलप हो सके, मतलब जो टॉपिक वहाँ दिया जाएगा उसके ऊपर वो अच्छे से लिख सकें। जो टॉपिक वहाँ पे एसे का या लेटर का दिया जाएगा वो डेफिनेटली आपके आपका जो एक्सपेक्टेशन है उसके सराउंडिंग्स वो आ सकते हैं, सेम टू सेम कभी ये पॉसिबल नहीं होता है। तो जो सराउंडिंग्स टॉपिक्स आएंगे तो उसको आपका स्किल ऐसा डेवलप होना चाहिए कि आप उसके ऊपर अच्छे से लिख सकें, और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप उसके ऊपर जो है ना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, उसका मॉडल आंसर्स देखते हैं, उस पर जो है आपका आउटलाइन के बेस पर जो आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका आर्टिकल देखते हैं, उसका जो है जो भी कंसर्न सारे फंडामेंटल से वीडियो लेक्चर्स देखते हैं जिसमें कि आपका सारा बेसिक आपको पता लगता है क्या गलतियां करते हैं सारे एस्पिरेंट, क्या गलतियां के प्रॉब्लम्स आ रही है। हमारे पास जितने मॉक टेस्ट सबमिशन अभी एवरी डे आ रहे हैं एसवीआई एस्पिरेंट्स के, तो उनके बहुत तरह के कॉमन मिस्टेक्स हैं रिपीट किया जाए। ऐसे बहुत सारे को कैंडिडेट हैं जो टॉपिक को पूरा नहीं पढ़ते हैं, एक बार मतलब ऐसे का टॉपिक या लेटर का टॉपिक दिया गया एक बार वो पढ़ते हैं और उसको लिखना शुरू कर देते हैं, और इवन वो चीज़ें लिख देते हैं जो एग्जाम क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है। मतलब अगर जो ऐसे का टॉपिक पढ़े उसमें उन्होंने पहले अगर कुछ पढ़ रखा है उससे ये मैच कर गया तो उसके ऊपर वो लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि वहाँ पे जब दोबारा पढ़ते हैं तो वहाँ समझ में आती है कि वहाँ पे एक एडजेक्टिव जुड़ा हुआ था उस टॉपिक के साथ, मतलब वो सारा डायमेंशन ही चेंज हो गया। जैसे कोविड के ऊपर लिखना है, कोविड के का जो है कैसे कोविड ने कैसे जो है इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डाला है इसके ऊपर उन्होंने पढ़ा है, लेकिन अब वहाँ पे जो एग्जाम में जो ये पूछ दिया है कि कोविड का इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए कोविड में क्या करना चाहिए, आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशन है, मतलब कि थोड़ा सा भी अगर उन्होंने ट्विस्ट कर दिया तो जब तक वो दो बार नहीं उसे पढ़ते हैं तब तक इस तरह की गलतियाँ रिपीट हो जाती है। और एवरी डे मॉक टेस्ट जो अटेम्प्ट हो रहे हैं मैगविज प्लेटफॉर्म पर SBI IBPS के द्वारा एस्पिरेंट के द्वारा इस तरह की गलतियाँ वो किए जा रहे हैं, तो ये इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो स्कोर में फ़र्क पड़ता है। अब जो आपका है तीसरा जो कॉमन मिथ है कि बहुत सारे ऐसे स्प्रिंट SBI और IBPS के हैं जिन्हें ये लगता है कि डिस्क्रिप्टिव सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में जाएंगे जो हमारा नॉलेज है, जो हम थोड़ा सा कंटेंट मटेरियल ये सब पढ़ लेंगे, मॉडल एंसर्स पढ़ लेंगे, उसके बेस पर हम जाकर लिख के आ जाएंगे, ये बहुत ही बड़ा कॉमन मिथ है। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन SBI में एंड IBPS में एक कॉमन सेक्शन है, जैसे आपका इंग्लिश का है, मैथ का है, रीजनिंग का है, कंप्यूटर का है, वैसा ही ये कंप्लीट एक सेक्शन है, और ये काफ़ी स्कोरिंग भी है। अगर आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के सेक्शन से कंपेयर करें, रीजनिंग से कंपेयर करें, क्वांट से कंपेयर करें, उसमें आप अभी जो आपका लेवल है उसमें से अगर आपको 5 मार्क्स बढ़ाने हैं पॉसिबल, बहुत ही टफ है। कितना काम करना पड़ेगा ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो इंग्लिश मैथ रीजनिंग ये सारे सेक्शन में अगर 5 मार्क्स बनाने हैं तो कितना आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन डिस्क्रिप्टिव का शायद ऐसा नहीं है कि अभी अगर आपने प्रैक्टिस शुरू किया, फर्स्ट आपने सीरीज फेजेस में आपने प्रिपेयर करना शुरू किया, क्योंकि बैंक अपने प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज वे में 360 डिग्री में प्रिपेयर करवा रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, सारे कुछ अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट डिटेल ये वो सारे आप अप्रोच कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, इवेल्यूएशन मिलेगा ये, तो वहाँ ये ऑर्डर में करने से क्या है आपका जो भी अभी एग्जिस्टिंग लेवल है उसमें से 10 मार्क्स बढ़ाना तो बहुत ही हैंडी है। आपका ओवरऑल जो पोटेंशियल डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस में है आउट ऑफ 50 SBI PO में आप जो है 40+ स्कोर ला सकते हैं।
और अभी अगर आपको नहीं आ पा रही है इतना, तो क्या क्या करने की जरूरत है, बैंक फीस के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे डिटेल में सारा कुछ ऑर्गेनाइज वे में दिया गया। अब ये बैंक फीस के चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि आपको एवरी डे जो भी वीडियोज अपलोड हो रहे हैं डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको कोई मिस ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका मिस हो जाए, आपके कॉम्पिटिटर जो है रेगुलर में अपडेट देखते रहे, आप वो गलतियाँ रिपीट कर दें जो आपके कॉम्पिटिटर नहीं करें, उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे, आपके नहीं बढ़ पाएंगे, ये काफ़ी क्रूशियल है आपके लिए। तो कैंडिडेट के जो कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि वो डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस को जो है इग्नोर करते हैं, इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका ये फाइनल सिलेक्शंस पे काफ़ी इम्पैक्ट डालने वाला है। अब एक देखिए ना कितना क्रूशियल ये होता है कि मेंस का जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ गया है 2020 में एसबीए पीओ का, वो आउट ऑफ 250 मीन 200 ऑब्जेक्टिव सेक्शन, 50 मार्क्स फॉर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, आउट ऑफ 250 अराउंड 89 जो जनरल कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए और नीचे गया है कट ऑफ, तो 89 कट ऑफ जो गया है आउट ऑफ 50, 40 स्कोर तो डिस्क्रिप्टिव में इजीली स्कोर कर सकते हैं, तो 40 इधर उधर आपका अगर एवरेज स्कोर भी अदर अदर सेक्शंस में कर रहे हैं तो आपका स्मूथली जो है मेंस का क्लियर हो जाएगा। तो टफ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आपके जो स्ट्रैटेजीज है उसमें दिक्कत आ रही है। आपने अगर गलत आई मीन 80-20 का जो फॉर्मूला है जो सेपरेट वीडियोज में डिस्कस किया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, आप अपने एफर्ट्स जो है उन 80% एरिया पे दे रहे हैं जो आपका 20% रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो रिजल्ट आपका कैसे मिल पाएगा। तो यहाँ पे आप ऑर्गेनाइज वे में कीजिए, डिस्क्रिप्टिव को इग्नोर नहीं कीजिए जैसा जनरली सारे स्टूडेंट्स करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके स्कोर ऊपर, जो आपका लेवल एज ऑफ नाउ वहाँ से ऊपर ले जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और अगर डिस्क्रिप्टिव में फोकस कर साथ मिले, इसे कंप्लीट आप एक सेक्शन की तरह जैसे दूसरे सेक्शन को आप फोकस रहोगे, एवरी टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, एवरी डे आपके शेड्यूल में रहता, इसको भी अपने शेड्यूल में रखिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं आपके स्कोर पे फर्क पड़ेगा, फाइनल सिलेक्शन में इंपैक्ट डालने वाला। हमारे पास ऐसे स्प्रिंट का रेगुलर कॉल आ रहे हैं जिनके प्रीवियसली जो है किन्हीं का 0.25 मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन IBPS में SVM ही रह चुके थे, किन्हीं का 2 मार्क्स, किन्हीं का 5 मार्क्स, किन्हीं का 7 मार्क्स, किन्हीं का 3 मार्क्स, ऐसा करके बहुत सारे स्प्रिंट्स हैं। आप सोचिए जैसा डिस्क्रिप्टिव में 10 मार्क्स तक ऊपर नीचे तो ऐसे हो जाते हैं अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया या नहीं किया, क्योंकि जो भी एग्जाम में जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर के सारे उसको लिख के आएंगे, चाहे ABC कुछ भी लिखें, स्टोरी कुछ भी वो बना के लिख के आ जाए, जैसा कि कॉलेज स्कूल के एग्जाम में होता, बस उन्हें पता हो ना हो लेकिन पेपर पे पेपर लिखते चले जा रहे हैं, वैसे सारे स्टूडेंट लिख के आएंगे, लेकिन उससे स्कोर तो बनेगी नहीं। जब तक आप जो एग्जामिनर को एक्सपेक्ट करता है वो जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक तो इनसे मिलेगा आपको स्कोर मिलेगा नहीं। चौथा जो सबसे बड़ा जो मिथ है SVI एंड IBPS स्टूडेंट के बीच में कि सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ स्टडी जो है वो जो है आपका बेस्ट और सफिशियंट है आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश सेक्शंस के लिए। मतलब ऐसा जनरली एस्पिरेंट कर रहे हैं अधिकांश एस्पिरेंट जो SVI IBPS के, उन्हें ये लगता है कि आपका गूगल इधर उधर जो मटेरियल्स है फ्री में गूगल और यूट्यूब ये सारे पे, वो सारे मटेरियल को पढ़ के जो है जो डिस्क्रिप्टिव का जो पॉइंट्स ऐसे के लिए लेटर के लिए वो गैदर कर लेंगे, लेटर के लिए ज़्यादा कुछ तो पढ़ना नहीं है, बस उसका फॉर्मेट हमने देख लिया एग्जाम में लिख के आ जाएंगे, और ऐसे के लिए भी जो है हमें पॉइंट्स वगैरह गैदर कर लिए एग्जाम में जा के लिख के आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक मिथ है, क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए, आप अगर खुद से आपके पास देखिए अभी क्या सबसे बड़ा लिमिटेशन है, आपके पास ऑलरेडी कई सारे एग्जाम्स हाथ में है, SVI है, IBPS है, NISCL कई तरह के, सभी लोग आपके में से अधिकांश एस्पिरेंट जो है कई तरह के एग्जाम्स लिख रहे हैं, उनमें से इतने सारे सेक्शंस है, प्रीलिम्स है, मेंस है, किसी का इंटरव्यू आपका होने वाला है, इंटरव्यू है, इतने सारे सेक्शन, इतने सारे एरियाज, एक सेक्शन पे फोकस करना ऐसे ही ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम दे पाते हैं दिन भर में, भैया इतना टाइम हम डिवोट कर पाएंगे। अब सोचिए उतने अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए आपने डेली का 1 घंटा भी डिवोट किया, सबसे पहला सवाल आपके सामने ये खड़ा होता है कि हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे प्रैक्टिस करें, कहाँ से पढ़ें, ये सारी प्रॉब्लम में ही आपके सारे टाइम जो है कंज्यूम हो जाती है। नोट्स बनाएं, यहाँ पे आपकी ज़रूरत ये पड़ती है, इंस्टेड ऑफ आपके पास टाइम जो लिमिटेड है आपको कोई ना कोई, ये ज़रूरी नहीं कि आप बैंक की वेबसाइट पे, आप कोई सभी वेबसाइट, कोई सभी सोर्सेज पे, आपको जहाँ कंपाइल एक जगह पे ऑर्गेनाइज वे में 360 डिग्री में प्रिपेयर करवा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव का, आप वहाँ से कीजिए, इसमें फ़ायदा मैं आपको काउंट कराता हूँ। अगर आपने ऑर्गेनाइज वे में कहीं से भी अगर कर रहे हैं मॉक टेस्ट का आपका सीरीज मिल, आपको पता लग रहा है कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें MS Word पे लिखें, वर्ड पेज पे लिखें, आपको टाइमर कहाँ मैच कर रहे हैं, कितना आप लिख पा रहे हैं, किस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो सारे आपको वहाँ पे फिट हो रही है। एक्चुअल एग्जाम में तो डिफिकल्टी आएगा आपको यहीं पता लग रही है, मॉडल ऐसे देख रहे हैं आपको ये पता लग रहा है कौन से पैटर्न पे आपको लिखने से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा,
आप अगर उस आउटलाइन देख रहे हैं तो आपको हैंड होल्डिंग की तरह इसे लिखने में आपको प्रैक्टिस हो रही है। कौन से टॉपिक पे प्रिपेयर करें, आपको स्टैंडर्ड टॉपिक अगर दे दिया गया, आपको दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है कि इसे कौन कौन से टॉपिक में हम प्रिपेयर करें, ये भी आ सकती है वो भी आ सकती है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो है कोई सा भी वेबसाइट या सोर्सेज जो आपके रहते हैं वो उनका टीम होता, एक्सपर्ट्स होते हैं, ओवर द ईयर्स उनका काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। आप घंटे भर देख के वो चीज़ों, अब एक तो कि आप उतना लेवल पे कर नहीं पाएंगे और आपका टाइम उन चीज़ों पे चला जाएगा जो ऑलरेडी दूसरे प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्राइस पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये चारों जो कॉमन मिथ मैं एक बार दोबारा आपको रिमाइंड करा देता हूँ। सबसे पहला तो कैंडिडेट रीडिंग न्यूज़पेपर एंड राइटिंग, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसके कारण से स्कोर नहीं बढ़ पाती है डिस्क्रिप्टिव में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि इसके कारण से स्कोर बढ़ती है, आप सिंपल एक काम कीजिए, बैंक के साइट पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है जो एसबीआई के एक्चुअल एग्जाम में आते हैं आईबीपीएस के, आप वहाँ अटेम्प्ट कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आप जो समझ रहे हैं अपने बारे में कि आप बहुत अच्छा लिख के आ जाएंगे, वो एक्चुअल में आप कैसा लिख पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे टोटली आप प्रेजेंट कैसा करते हैं वो पता लगेगा। या क्योंकि नॉलेज का तो मैटर नहीं है, नॉलेज अगर है जब तक आप प्रेजेंट नहीं करते आपका तो स्कोर बनेगा नहीं। अब दूसरा मिथ होता है आपका मॉडल आंसर के बारे में, अगर मॉडल आंसर को आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप स्कोर तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक वो लैंग्वेज आपका नहीं हो जाता है, जब तक आप उसको अपने तरीके से कोई भी टॉपिक के ऊपर लिख नहीं पाते। तीसरा आपका आता है कि डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को इग्नोर किया जाता है, उन्हें लगता है कि इसको थोड़ा सा टाइम में, थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे जाके जो इधर उधर से थोड़ा सा मटेरियल पढ़ लेंगे, एग्जाम में हम लिख के आ जाएंगे। अब चौथा जो कॉमन मिथ होता है वो आपका होता है कि हम खुद से नोट्स बना लेंगे, खुद से इधर उधर से इंपॉर्टेंट टॉपिक गैदर कर लेंगे, सारे प्रिपरेशन हम खुद सेल्फ स्टडी करके कर लेंगे, ये बहुत बड़ा मिथ होता है। आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए तभी आप स्कोर बना पाएंगे। बाकी किसी भी तरह का डिफिकल्टीज आती है तो बैंक क्विज का टीम आपके साथ असिस्ट करने के लिए एवरी टाइम रेडी है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से रिलेटेड जो भी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं डेफिनेटली यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेल कीजिए, वहाँ पे आपके व्हाट्सएप कीजिए, सारे कुछ अवेलेबल है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है जो सीरीज बैंक क्विज चला रही है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से रिलेटेड, तो इसमें अगर पसंद आती है डेफिनेटली आप जो बेल बटन को दबाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे, आपका मिस एक भी वीडियो ना हो पाए, टाइम से आपको मिलता चला जाए। थैंक यू सो मच।